चंडीगढ़ के सभी श्रोताओं को, देखने वालों को और मेरे दोस्तों को, मेरे अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। ये हम लोग मिलकर एक महाभारत को जिंदा रखा है और इसके ऊपर हम लोग अपना प्ले करते हैं और करीब हम लोगों ने 100 शोज कर चुके हैं इसको भी, और अभी हम लोग अमेरिका, लंदन वगैरह भी, कनाडा वगैरह भी जाएंगे अभी इसको करने के लिए। सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप धीमान, तुसी देख रहे हो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी। अज चंडीगढ़ दे विच महाभारत परफॉर्म करन वाले ने पुनीत ईसर अते उन्हां दी टीम। साढ़े नाल एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसनू के किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सुरेंद्र पाल जी, जो कि अज महाभारत दे विच द्रोणाचार्य का किरदार निभाउण वाले ने, शक्तिमान दे विच किलविश का किरदार निभा चुके ने, ते साढ़े महादेव में प्रजापति दक्ष जी, ते साढ़े सारयां दे फेवरेट ने, मौका मिले अज इन्हां दे नाल गलबात करन दा। आओ गलबात शुरू करदे हां। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दे विच। चंडीगढ़ के सभी श्रोताओं को, देखने वालों को और मेरे दोस्तों को, मेरे अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार हो। सुरेंद्र जी, काफ़ी लंबे समय बाद तुसी मुड़ तो एक ऐसा किरदार कर रहे हो, दोबारा तो ऐसा किरदार कर रहे हो जिस नाल पहला भी जुड़े हुए हो, पर नज़रिया दूसरा है। कितना मुश्किल था इसको अडॉप्ट करना? देखिए, मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरा सबसे पहला धारावाहिक जो था वो महाभारत था, और जैसे बी आर चोपड़ा साहब ने बनाया था, और उसमें भी मैंने द्रोणाचार्य का ही भूमिका निभाई थी। उसके बाद अनेकों भूमिकाएं निभाई हैं, चंद्रकांता, जी हॉरर शो, चाणक्य, बहुत सारे किया। उसके बाद फिर किलविश का रोल किया मैंने शक्तिमान में, जो बच्चों को आज भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और उसके ऊपर बहुत बड़ी फिल्म भी बनने जा रही है जो सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल बनाने जा रही है, अनाउंस हो चुकी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी उसमें फाइनल नहीं है कि जो अंधेरा कायम रहे, किलविश का किरदार कौन निभाएगा, वो अभी तक फाइनल नहीं है। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली देवों का देव महादेव किया, जिसमें प्रजापति दक्ष का भूमिका निभाई है। तो अभी तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों, करीब 10,000 एपिसोड मैं कर चुका हूँ। करीब 32 साल के इस लंबे चौड़े करियर में मैंने बहुत सारी भूमिकाएं की हैं। ये थिएटर करना, स्टेज करना, ये महज मेरा एक शौक है, जैसे कह सकते हैं। और एक पुरानी हमारी स्टार कास्ट इसमें सब जुड़ी हुई है, पुनीत ईसर जी, गोपी पिंडल जी और मैं, हम तीनों जो हैं इसको जैसे कहते हैं एक एक पिलर की तरह खड़े हुए हैं, आधार हैं इस चीज़ के। और बहुत खुशी होती है हमें कि हम लोग मिलकर एक महाभारत को जिंदा रखा है और इसके ऊपर हम लोग अपना प्ले करते हैं, और करीब हम लोगों ने 100 शोज कर चुके हैं इसको भी, और अभी हम लोग अमेरिका, लंदन वगैरह भी, कनाडा वगैरह भी जाएंगे अभी इसको करने के लिए। और दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है, और आज आप देखिए चंडीगढ़ में इतनी अपार भीड़ आई हुई है महाभारत को देखने के लिए कि खड़े होने तक की जगह नहीं है, आपने देखा है महाभारत में। और क्या है, लोग आज भी महाभारत को बहुत पसंद करते हैं, और ये मैं ये कह सकता हूँ इतने भव्य स्केल पर महाभारत आज तक कभी बनी नहीं है। ये पहली बार थिएटर स्टेज के ऊपर इतनी भव्य महाभारत बनाई गई है, और इसे हुनर हाट पे कर रहे हैं। इसके लिए मैं हुनर हाट के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, और स्पेशली हमारे मिनिस्टर साहब जिन्होंने हम लोगों को ये मंच दिया है, मुख्तार साहब को। मैं थोड़ा होर समा नहीं लूँगा क्योंकि मैंने पता तुसी बहुत ज़्यादा हले तैयारियां भी बहुत ज़्यादा करनिया ने, पर बहुत खुशी हुई थोड़ा मिल के, तो इस उम्मीद कर दिया कि तुसी महाभारत दे जो दर्शक जरूर बनोगे। अज महाभारत कुछ ही देर दे विच शुरू होने वाली है, तो इतिहासक किरदार इसनों निभाने वाले ने। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू जी।